हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। और जो भी स्टूडेंट्स एएमआई सेक्शन ए या सेक्शन बी में हो अभी, तो आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, आपका फॉर्म फिलिंग का डेट आ चुका है। और जैसा मैंने बताया था कि मार्च एंड तक का चांस है, और मार्च एंड ही लगभग आप मानो कि मार्च जो थर्ड वीक में आपका एग्जाम होना है। तो अभी आपके पास टाइम अगर देखोगे तो लगभग जनवरी के 10 दिन, फरवरी आपका टोटल, तो ओवरऑल 2 महीने के आपके पास टाइम है और 4 पेपर को क्लियर करना है। और तो 4 पेपर को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक अभी से ही आपको स्ट्रेटजी बना के और आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपको लगता हो कि अरे यार रिजल्ट इतना जल्दी देता है और फिर भगदड़ मच जाता है इतना जल्दी ये सारे चीजें तैयारी करने में, तो वो आपको हर एक साल ऐसी हुआ है। हर एक साल मैंने कल भी बताया था कि जो पिछले वीडियो में कि जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके जस्ट बाद ही 2 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाता है। इन बिटवीन फॉर्म फिल करना है, किसी ने रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म डाला है वो भी आई जाना है कलकत्ता। तो ये सारे मतलब काफी मतलब आपको क्या होता है ना कि इजी प्रोसेस नहीं है। मतलब इजी प्रोसेस करने का मतलब कि काफी आपके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है, एग्जाम भी है, फॉर्म भी फिल करना है, ये सब कुछ है, कितने पेपर का तैयारी करें, जॉब भी आप कर रहे हो, जॉब भी करना है। तो इसीलिए शांति से पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन सा पेपर देना है और उस पेपर का तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपको एग्जाम के टाइम पे फिर स्किप करोगे और फिर बाद में जो अभी जनरली क्या होता है, सर मुझे लास्ट अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट और मिल जाता तो मैं पेपर क्लियर कर लेता। और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसा सिचुएशन हुआ है कि लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, अब उनके एक ही अटेम्प्ट था, अब उनमें एक पेपर पेंडिंग रह गया, अब उनका पूरा 6 साल का मेहनत बेकार गया। अगर सेक्शन ए करके बी में अगर एक पेपर बच गया तो उनका 6 साल उधर, मतलब बाकी 4 पेपर उधर, और इधर आपने 8 पेपर क्लियर किया, वो सारा मेहनत बेकार हो गया। तो इसीलिए आपको अभी से ही सिंसियर होना है और अभी से आपको उसके लिए तैयारी शुरू कर लेना है। बाकी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आप लोग को पता ही है, क्योंकि आप लोग पहली बार तो भर नहीं रहे हो, कैसे फॉर्म फिल करना है। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपका जो क्या है एग्जाम का जो डेट है, ये नोटिफिकेशंस है आईए की साइट पे, और ये नोटिफिकेशन क्या मेंशंस है कि द समर एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन ए शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 16 मार्च टू 22 मार्च 2024, ओके, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 5 मार्च 2024। फॉर्म का फीस 3000 है। तो ये सारी चीजें मेंशंस है आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि फॉर्म को, जैसे ही फॉर्म का पोर्टल ओपन होगा आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए क्लियर किए हैं उनको सेक्शन बी में पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है सेक्शन बी में। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अभी जो 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी, इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो भी बनाया था कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके लिए वो वहाँ फॉर्म फिल करोगे, ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वहाँ पे एक एंगेजमेंट फॉर्म आएगा, उस एंगेजमेंट फॉर्म को आपको प्रिंट करके आपको कंपनी से साइन करा के और आपको आईआई भेजना है। तो ये सारे प्रोसेस है, उसके बाद आपका एग्जाम का फॉर्म फिल होगा। तो ये प्रोसेस है, तो आप अभी से जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करके और आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लो और अपना जो भी सब्जेक्ट पेंडिंग सब्जेक्ट है उसको तैयारी में लग जाओ, ओके। बाकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का जो ऐप है प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उस ऐप पे आपको सारा कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहां से लेके पढ़ सकते हो और काफी अच्छे तरीके से स्टूडेंट पेपर को क्लियर कर रहे हैं। आपने रिजल्ट मेरा देखा होगा कि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एएमआई क्लियर किया जो हमारे स्टूडेंट थे, ओके। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि पेपर क्लियर करना, वर्किंग हो, आपको कंसाइज वे में मटेरियल मिल रहा है, तो आप उसको लेके तैयारी भी कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको ऐप पे भी अवेलेबल है, अगर आपके पास लैपटॉप में देखना है तो लैपटॉप के लिए भी अवेलेबल है। जो भी आपके पास सुटेबल डिवाइस हो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो, नंबर नीचे है, नंबर पे कॉल करके और आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ओके। थैंक यू।